क्या करते थे, प्रोडक्ट हंटिंग करते थे। कौन कौन से मेथड्स थे, फर्स्ट मेथड क्या था? के जरिए हम क्या निकालते थे, कीवर्ड्स निकालते थे, जो कि दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता था, सेरेब्रो के जरिए, तीसरा मेथड ब्लैक बॉक्स, जबकि छोटा मेथड चौथा मेथड से जो हम वो करते थे, रिसर्च करते थे, ये सारी से आपको बताए थे। अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर का एक्सटेंशन आप लोगों को बता दिया कि कहाँ से डाउनलोड होते हैं, वेब स्टोर, वेब स्टोर से, क्रोम वेब स्टोर के अंदर जाके अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर, वहां से इंस्टॉल करके इसको हम पिक कर लेते हैं। तो इसका बताया था कि जब हम amazon.com को ओपन करते हैं तो क्या होते हैं, यहाँ से जो भी कीवर्ड आप ऐड करते हैं amazon सजेशन एक्सपेंडर क्या करते हैं, आपकी उसी कीवर्ड की रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स जनरेट करते हैं। फिर ये है कि सिर्फ ये नहीं कि आप यहाँ पे ऐड कर ले, इनमें से जो भी वर्ड आप चेंज करते जाएं आपके पास न्यू कीवर्ड्स आते रहते हैं, जो कि आप यहाँ से amazon सजेशन एक्सपेंडर के जरिए लाखों कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, एक ही कीवर्ड के रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स आते हैं। अब ये चीज है कि जो कीवर्ड यहाँ पे हम टाइप करते हैं उस कीवर्ड का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आ रहे नैप का कीवर्ड, अब जब नैप को हम सर्च करते हैं तो हमारे पास सारे नैप की प्रोडक्ट्स ही आएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर नैप के साथ साथ हम ये नैप शार्पनर या नैप सेट या नैप पर वन बाय वन कीवर्ड्स को ओपन करें तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो वही होगा लेकिन ये होगा कि डिफरेंट कीवर्ड से लिस्ट पड़ा होगा और उसकी वेरिएशन चेंज होगा, वेरिएशन का मतलब अक्सम चेंज होगा, बाकी कीवर्ड उसी में, यानी जितना भी कीवर्ड आप चेक करें, अगर टांटो नाइफ सर्च करें भी तब आपके पास नाइफ के प्रोडक्ट भी शो होते हैं, अगर आप ये सर्च करें ओइस्टर इनके शटिंग नाइफ सर्च करें भी ये पॉकेट नाइफ सर्च करें आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे नाइफ के, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट्स की जो वेरिएशन यानी टाइप्स है वो चेंज होता रहते हैं। इस तरीके से आप amazon सजेशन एक्सपेंडर के जरिए कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। दूसरा आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, यहाँ से आकर के आपने लॉगिन करना होते हैं, अपने डैशबोर्ड ओपन करना होते हैं, आपको एक्सटेंशंस बताए थे कि कहाँ से आप लॉगिन ये ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन के बाद आप उनके टूल्स किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और वन बाय वन उसी के अंदर फिल्टर्स को या काम किस तरीके से करते हैं, ये सारे आपको समझाए थे, जो कि हम क्या करते हैं यहाँ से आकर के एलियन टेन की वेब एक्सटेंशन को ओपन करते हैं, यहाँ से हम सर्च करते हैं दूसरे मेथड के जरिए कीवर्ड्स जनरेट करते हैं। तो क्या मेथड था, amazon के ऊपर आके यहाँ से किसी भी कीवर्ड को हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद नीचे से हमें उसी का क्या मिल जाते हैं, एसएन नंबर, एसएन नंबर क्या होते हैं, amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपके पास दो स्लैश के दरमियान जो नंबर है उसको amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। यहाँ पे आकर के एक तो टूल्स के ऊपर आके आपके पास सेरेब्रो का वो मिल जाते हैं, जबकि नीचे से अगर आप पॉइंट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आकर के सेरेब्रो के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना पड़ता है, जो भी मार्केट प्लेस के लिए आप कीवर्ड जनरेट करते हैं इससे नंबर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप 10 तक यानी 10 से भी अबव यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कीवर्ड इंटर आप 10 तक है, आप 10 तक है, 10 तक आप इसके अंदर क्या कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। जब आप गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास Research specific product on Amazon and find their top ranking keywords. इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी बता है। तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाते हैं फिर हमारे पास कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जनरेट हो जाते हैं जो कि उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे पास हजारों कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसी में हमें वन बाय वन ओपन करके उसी के ऊपर क्या करना पड़ता है, एक्सटेंशन रन करके अपना क्राइटेरिया मैच करना पड़ता है।
चेक कर लेते हैं शायद यहाँ से हो जाए, और कीवर्ड के ऊपर चेक करते हैं। जो कि सेरेब्रो हमें साथ भी देते हैं जब हम लिस्टिंग के लिए कीवर्ड जनरेट करते हैं, वहां पे भी हम टॉप कीवर्ड्स क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास एक होते हैं प्रोडक्ट्स को जनरेट करना, दूसरा है कीवर्ड्स को, तीसरा है कंपटीटर्स को, चौथा है निश को, और पांचवा जो है प्रोडक्ट टारगेटिंग है। अब प्रोडक्ट्स को पॉइंट करने का तरीका क्या है कि यहाँ से जो भी कैटेगरी, जो भी कंपटीटर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, सेल्स, जो भी चीजें हम ऐड करते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उसी क्राइटेरिया के मुताबिक। ये नहीं होता कि मतलब यानी आपके पास जो प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं, जो भी कैटेगरी आपके पास, एनी कैटेगरी की उसी, ये जो आप कैटेगरी ऐड करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उसी का आ सकते हैं आपके सामने। जबकि प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होते हैं, आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कीवर्ड्स का, क्या मिल जाते हैं कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में मैंने वन बाय वन चीजें आपको समझाया थे। एक आपके पास था सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता था, इसका जो कीवर्ड है, आप ऐसे कीवर्ड को जनरेट कर रहे हैं जो कि उसी मार्केट प्लेस के अंदर कितने लोग उसी को सर्च कर रहे हो। ये मंथली रेवेन्यू है। मंथली रेवेन्यू समझाया था कि तमाम सेलर्स की जो रेवेन्यू है, जो कि प्रोडक्ट्स की सेल्स है, उसको क्या कहते हैं, मंथली रेवेन्यू कहते हैं। जो कि प्राइस आपको बताया था कि प्रोडक्ट की प्राइस है, वन बाय वन रिव्यू काउंट, रिव्यू रेटिंग, कैटेगरीज बताए थे। कैटेगरीज क्या होते थे, प्रोडक्ट किस कैटेगरी, हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कैटेगरीज होते हैं। जब आप लिस्टिंग करते हैं, आप लोगों को समझाया था कि आपके पास कैटेगरीज किस तरीके से आते हैं। जैसे आप पे रिजल्ट थे, फिर होम एंड किचन, फिर ये 90 प्रोडक्ट्स, लास्ट में आपको लिस्ट करना पड़ता है, जो कि सेलर सेंट्रल से भी समझाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जो कि उसी के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं नंबर ऑफ सेलर्स। बताए थे कि नंबर ऑफ सेलर्स, यानी आप ऐसे प्रोडक्ट चाहते हैं जिसके ऊपर कितने नंबर ऑफ सेलर्स बैठे होंगे। ठीक है, उसी के मुताबिक आप अपने फिल्टर्स को फिल कर सकते हैं। फिर है वेरिएशन काउंट्स। वेरिएशन काउंट का मतलब क्या होता है, एक्साम यानी जो आपके पास वेरिएशन में, यानी जो प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट की कोई और अक्साम भी है, कोई और कलर्स भी है। अगर आप चाहते हैं कि वेरिएशन जीरो हो मैक्सिमम, तब आपके पास ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जिसमें मजीद अक्साम और कलर्स वगैरह न हो, तो इस तरह की उसको क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। उसी के बाद मंथली सेल्स हैं, जो कि यूनिट, मंथली सेल्स यूनिट, यानी एक यूनिट आप इस समझ लें जिसको हम मजीद क्वांटिटी भी कह सकते हैं। क्या आप ऐसे चाहते हैं कि मैं ऐसे कीवर्ड निकालूं जो कि उसी कीवर्ड के ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्ट हुए पड़े उसका मंथली सेल्स यूनिट कितना हो, नहीं है समझ। एक मंथली रेवेन्यू होते हैं जो कि एज अ होल जो पूरी मार्केट प्लेस के अंदर होते हैं, उसको मंथली रेवेन्यू कहते हैं। एक होते हैं मंथली सेल्स यूनिट। आप चाहते हैं कि ऐसे कीवर्ड में उठा लूं जो कि उसी कीवर्ड की जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसका सेल्स कितना हो, यानी यूनिट कितना हो। प्राइस की बात नहीं हो रहा, डॉलर की बात नहीं हो रहा, किस चीज की बात हो रही है, क्वांटिटी की, यूनिट की बात हो रही है। अब समझ आ गया। उसके बाद आपके पास आते हैं, नीचे से आपके पास आते हैं यहाँ पे क्या, बेस्ट सेलर रेट, BSR। क्या होते थे बेस्ट सेलर रेट, नहीं है समझ ले कि आपकी प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर लिया। अब जिस कीवर्ड के ऊपर, अब जब यहाँ से मैं कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ amazon.com के ऊपर नाइफ, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट आ जाते। नाइफ कीवर्ड के अंदर जितने भी जुमेन कीवर्ड है, यहाँ पे आपको हजारों बल्कि लाखों में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जब आप नाइफ कीवर्ड, यानी नाइफ कीवर्ड के साथ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, तब आपकी लिस्टिंग भी नाइफ प्रोडक्ट, नाइफ कीवर्ड के साथ ही होगा। ठीक है, अब अगर आप लिस्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह की सेलर्स हैं जो कि 10वें पेज पे होते हैं, कुछ इस तरह की सेलर्स हैं जो 5वें पेज पे होते हैं, कुछ इस तरह की सेलर्स हैं जो फर्स्ट पेज पे होते हैं। जैसे अभी मैंने नाइफ सर्च कर ली, ये फर्स्ट पेज में मौजूद था ये सेलर्स। ठीक है, तो अगर आप सेकेंड पेज पे, अगर आपकी सेकेंड पेज पे बेस्ट सेलर रैंक डिपेंड कर रहे हैं किसके साथ,
मंथली सेल्स के साथ, यानी अगर आपकी मंथली सेल्स ज्यादा होते हैं तो आपकी बेस्ट सेलर रैंक कम हो, कम होगा, जब जब कम होगा तो आप किस चीज पे आएंगे, फर्स्ट पेज पे, टॉप पे आने की कोशिश करेंगे। अगर आप थर्ड पेज पे थे तो आज आपकी स्टॉक थोड़ा ज्यादा सोल्ड हो गया तो आप सेकंड पेज पे आएंगे, कल उससे भी ज्यादा हुआ तो फर्स्ट पेज पे आएंगे। इसी तरीके से आपकी बेस्ट सेलर रैंक रोटेशन करते हैं, जो कि मंथली सेल्स के ऊपर क्या है डिपेंड। अब आ गया समझ, जो कि जब आप सर्च करते हैं हमारे पास टॉप कीवर्ड्स जनरेट हो जाते हैं, वन बाय वन कीवर्ड को ओपन करके उसी के ऊपर हम एक्सटेंशन लगाते हैं, एक्सटेंशन के थ्रू अपने क्राइटेरिया मैचिंग करते हैं। यहां तक समझ आ गया कीवर्ड जनरेशन का। जबकि जबकि यहां से अगर आप देख लें टूल्स के ऊपर के आने के बाद ब्लैक बॉक्स में आते हैं। अब ये हमारे पास कीवर्ड जनरेटिंग का प्रोडक्ट्स को समझ आ गया, कीवर्ड भी आ गया। अब कंप्यूटर्स की बात हो रही, तो कंप्यूटर्स का मतलब ये कि जो एसन आप उठाते हैं, अब अगर वही एसन आप उठाए कि कीवर्ड में सर्च करें तो हमारे पास हजारों कीवर्ड्स आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे हजारों कीवर्ड्स नहीं, जो एसन आप उठाते हैं उसी के रिलेटेड, उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपके पास कंप्यूटर्स प्रोडक्ट हो जाए जो कम्पीट कर रहा हो, तब आप क्या कर सकते हैं अपनी कंप्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने नायक का कीवर्ड एसन यहाँ पे सर्च कर लिया, अब सर्च करने के बाद मेरे पास 167 रिजल्ट्स आ गए या 180 आ गए, 200 आ गए। अब 200 से 200 का जरूरी नहीं है कि मतलब उसका क्राइटेरिया आपके साथ मैच हो रहा हो, आप अपने क्राइटेरिया ऐड करके अगर उसी में आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स हो तब आपके पास जनरेट हो जाते हैं, अगर ना हो तो फिर नेक्स्ट कीवर्ड को आप उठा के उसी की कंपटीटर्स निकालेंगे, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मैच करेंगे, ठीक है। थर्ड आपके पास आते हैं इंग्लिश, इंग्लिश का क्या मतलब होता है रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे अगर हम प्रेस को सर्च करें यहाँ पे या होम एंड किचन क्या भी आ जाएंगे, हाँ उसी की रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी जो कि एक ही निश के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है प्रोडक्ट टारगेटिंग, यहाँ पे आप डिफरेंट एसेंस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके डिफरेंट एसेंस की प्रोडक्ट्स आप निकाल सकते हैं, उनमें से आप स्पेशल प्रोडक्ट टारगेटिंग अपने क्राइटेरिया मैच करके उसी से निकालें, ठीक है, ये समझ आ गया। जबकि चौथा मेथड आप लोगों को बताया था कौन सा था, रिव्यूज रेटिंग के ऊपर हम आके वहां से जो हमारे पास सेलर्स आते हैं उस सेलर का हम क्या करते हैं विजिट करते हैं, वहां से चेक करते हैं उसने कौन कौन से प्रोडक्ट्स को खरीदा हुआ है। 39 रिव्यूज है, इसका मतलब है इसने 39 प्रोडक्ट्स अमेज़न से खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी अगर आप देख ले, अगर आप यहाँ से आपने किस तरीके से पॉइंट करना है, अगर आपकी रिव्यूज और रेटिंग इसी क्राइटेरिया को मैच कर रहा हो तब आप क्या करते हैं, यहाँ से दो क्राइटेरिया आपको मिल गए, दो क्राइटेरिया आपके मैच हो गए, अगर मिल जाते इनमें से ऐसे प्रोडक्ट उठा लेना तो उसी प्रोडक्ट को आप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद तो उसका जो एसन है उठा के सेरेब्रो के जरिए उसकी कीवर्ड्स निकालेंगे, उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, कीवर्ड्स भी जनरेट होगा, हर कीवर्ड को ओपन करके उसके ऊपर एक्सटेंशन रन कर लेना, ये आपके सारे काम हो जाएंगे। जबकि पांचवा मेथड आपके पास क्या था कि किसी सोशल क्या रिव्यूज रेटिंग के ऊपर आप जाते हैं, आपने एक प्रोडक्ट ओपन किया है, प्रोडक्ट की रिव्यूज रेटिंग पे आके यहाँ से नंबर ऑफ सेलर्स मिल जाते हैं। अब ये देख लेना ये तमाम जितने भी हैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर कौन बैठे हैं, कस्टमर बैठे हुए हैं जिससे चीजें खरीदे हुए हैं, इसी स्टोर से इन लोगों ने चीजें खरीदे हुए। अब क्या है आप इनमें से एक कस्टमर को क्या कर लेते हैं ओपन कर लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं अभी ओपन है मेरे पास, ठीक है प्रोफाइल है, उसी में हम चेक करते हैं जो भी कस्टमर होते हैं उसी में हम चेक करते हैं उसी ने डिफरेंट प्रोडक्ट खरीदे होते हैं। एक ये होता है जबकि नीचे आके डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, यहाँ से आप चेक कर लेना अगर आपकी जो क्राइटेरिया आपने अपने माइंड में रखा हुआ है उसी के मुताबिक हो तो दो क्राइटेरिया आपके मैच हो गए, आप उसी प्रोडक्ट को ओपन करो, ओपन करने के बाद उसके ऊपर एक्सटेंशन रन कर ले, अगर बाकी क्राइटेरिया मैच हो रहे तो ठीक, नहीं तो उसके हिस्सा नंबर उठा के सेरेब्रो के जरिए इस प्रोडक्ट के रिलेटेड और प्रोडक्ट कीवर्ड्स निकाले और प्रोडक्ट्स चेक, बस ये सिंपल मेथड है। जबकि चौथा मेथड आपके पास क्या था कि सोशल मीडिया मार्केट प्लेस के अंदर अगर आपको कोई कीवर्ड मिल जाते हैं
तब कीवर्ड के जरिए किस तरीके से यानी अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर हमारे पास कीवर्ड जनरेट करते हैं, उनमें से हम ओपन करके एक एसएन उठा के वहां पे पेस्ट कर लेते हैं सेरेब्रो या वहां पे फ्रेज वगैरह के अंदर ऐड करके हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं। यानी किसी अनदर मार्केट प्लेस पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल जाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो आप किस तरीके से आइडिया लेके यहां पे सर्च करोगे ये चीज में सारे प्रोडक्ट्स इसके पास सारे वेरिएशन में मौजूद हां ये वेरिएशन ठीक है। यहां तक समझ आ गया, क्लियर हो गया जी सर? अगर ठीक है यहाँ पे इसीलिए तो लगाए हुए, फिर जो हटाने की बात हो जाए चलो हम ट्राई कर लेंगे इसी को भी हटा लेंगे। अब ये कि मतलब यहाँ तक तो समझ आ गया, जब ये सोर्सिंग आप लोगों को बताया था, हंटिंग का तो क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। इस तरह की भी क्राइटेरिया मिल जाए, कोई मसला तो नहीं होगा, चाहे फीचर्स पैंट करना हो, चाहे निश में कोई प्रोडक्ट पैंट करना हो, चाहे प्रोडक्ट टारगेटिंग करना हो, ये सारी चीजें क्लियर हो गए। अब सोर्सिंग क्या है, हम कहाँ से करते हैं? प्राइवेट लेबल के लिए, जो कि एक्सटेंशन के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया था सोर्सिंग। एक्सटेंशन स्नोवियो? नो सर, नो के थ्रू नहीं बताया ना, अलीबाबा के थ्रू। इसको रिवाइज कर लेते हैं, मेरा वो ये है कि रिसर्च के मुताबिक, क्योंकि कभी कभी यहाँ से आपको अच्छा मैन्युफैक्चरर नहीं कि किसी अनदर मार्केट प्लेस में जाते, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड करना, टूल्स होते उसके लिए अपने एक्सटेंशन होते हैं प्री एक्सटेंशन, उसके थ्रू उसका जीमेल निकालना, उसके थ्रू ये चीज़ें भी समझा दूँगा। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह सोमवार के दिन ये भी समझा दूँगा। सिर्फ मुझे इतना याद दिला देना कि सोर्सिंग के लिए अगर हमें अलीबाबा से नहीं किसी अनदर मार्केट प्लेस से करना था तब क्या प्रोसेस होगा वो चीज़ें भी समझा दूँगा। ठीक है, यहाँ तक आप आकर के तरीकाकार आपको बताए थे कि अगर आप इस प्रोडक्ट को सेव कर लेते हैं, एक तो ये तरीका बताया था कि यहाँ से गूगल के ऊपर जाके अलीबाबा के ऊपर उसका मैन्युफैक्चर ढूंढ ले, जबकि दूसरा तरीका क्या बताया था आपको? पिक्चर, इसकी पिक्चर उठा के आप alibaba.com के ऊपर आते हैं, यहाँ से पिक्चर अपलोड करके उसी के मुताबिक सेलर्स शो हो जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करवाया था, जो कि इतना मसला नहीं होगा। इसीलिए अनदर मार्केट प्लेस का अनदर मार्केट प्लेस से सोर्सिंग करना, ये इंशाल्लाह सोमवार के दिन में क्लियर समझा। ठीक है, ये सोर्सिंग, जबकि लिस्टिंग का क्या सीन था? जिसके थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ईमेल जो ऐसे तमाम, अब आपको कोई अगर कहे कि जीमेल उसका साइट है, जीमेल उसका साइट है, गूगल मेल, वो जो आपकी यूजर वो है, वो इस बुनियाद पर हम यूज करते हैं कि हमारी ईमेल जो कि मेल हमें मौसूल होती है उसी के ऊपर, मैसेजेस उसी के ऊपर मौसूल होते हैं, रिमाइंडर रिमाइंडरिंग ऑप्शन उसी के ऊपर होते हैं। बाकी जो है एप्स भी अलग है, वहाँ पे जीमेल भी ईमेल भी दोनों की एप्स भी अलग है। जीमेल के अंदर गूगल से रिलेटेड क्रोम गूगल ये सारी चीजें उससे रिलेट होते हैं, जब आप साइन अप कर लेते हैं साइन इन कर लेते हैं तो वो सारी चीजें उसके साथ लॉगिन हो जाते हैं, जबकि ईमेल एक स्पेसिफिक वो होते हैं कि उसी के साथ फिर कोई भी नहीं। ठीक है, फिर डिफरेंट है yahoo.com है, इसी तरीके से hotmail.com है, डिफरेंट वो बनाए हुए जो कि डिफरेंट बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम तो जीमेल बनाते हैं, हमें फेसबुक की जरूरत होती है या इस तरह अब हम ये बनाते हैं, बाकी जो है बिजनेसेस के लिए जो सबसे बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके लिए याहू बार के लोग भी ज़्यादातर याहू हॉटलिक्स ये चीज़ें वो यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर जाके इधर से लॉगिन करना पड़ता है।
30 horas. नहीं ये आप मालूम करने जा रहे हैं मार्केट बेसिस उसकी थी यूनाइटेड स्टेट है कनाडा है भी। अब क्या होते हैं यहाँ से आप करके हमें क्या करना पड़ते हैं केटला के बाद एड प्रोडक्ट पे जब हम आते हैं यहाँ से हमें मिल जाते हैं ऑप्शंस। अब होलसेल और ड्रॉपशिपिंग की दोबारा हम करेंगे जबकि प्राइवेट लेबल के हम क्या करते हैं यहाँ से हम एडिट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमें कैटेगरीज को क्या करना पड़ता है सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि आप लोगों को समझाया था क्या प्रोसेस था उसी का रेफरेंस ये प्रोडक्ट है उसी की रेफरेंस के बाद आप क्या करें इसको रिमूव करके एंटर करते हैं तो आपके पास ये ऑलरेडी शो था क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी ये मेन शूज एंड सैंडल्स की कैटेगरी के ऊपर हमने क्या करना होता है ऐड करना होते हैं। तो सेलर सेंटर का क्या है सबसे पहले कौन सा है फिर शूज एंड ज्वेलरी फिर मेन फिर एक मिनट ज्वेलरी के चप्पल भी जेवरात में है क्लोथिंग शूज एंड यहाँ तक समझ आ गया। अब सेंडल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें इस पेज के ऊपर ले आते हैं वो सेट इसके ऊपर यहाँ पे आकर के हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चेक करते हैं पीएल का लिस्टिंग इस पेज के ऊपर हम आ जाते हैं कैटेगरीज को सेलेक्ट करने के बाद वाइटल मार्केट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है जो कि कौन सा था क्या था सर वही टाइटल यानी आपकी प्रोडक्ट की टाइटल जो है ये टाइटल ये प्रोडक्ट नेम जो कीवर्ड्स होते हैं ठीक है यहाँ आपको कीवर्ड्स अब कुछ इस तरह की लोग हैं ये बेसिकली हम कंटेंट राइटर्स को करते हैं ठीक है फिर भी अगर आप इनमें से टॉप कीवर्ड जनरेट कर रहे थे तो आप निकाल सकते हैं मतलब इस सेरेब्रो उसी के जरिए आप टॉप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जिसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो ठीक है यहाँ तक समझ आ गया। फिर है आपकी मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या है कि किसने मैन्युफैक्चर किया है हम खुद ब्रांड होंगे तो अपना नाम दे देंगे अगर क्लाइंट ही चला रहे तो उसी से पूछ लेंगे कि आपकी ब्रांड नेम तो यहाँ जो ब्रांड नेम होगा वो मैन्युफैक्चरर नेम होगा ठीक है। यहाँ से आते हैं पैकेज क्वांटिटी बेसिकली क्या होते हैं नीचे से ये दो बार मेरे ख्याल से ऐड किया हुआ यहाँ से समझ लेते ये दो बार ऐड किए हुए ब्रांड नेम हमारे पास आते हैं यहाँ से प्रोडक्ट आईडी आती है जिसको यूपीसी हम कहाँ से जनरेट करते हैं हम गूगल के अंदर जाके upc.com से बाई करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे उसकी टाइप सर्च कर लेते हैं कि कौन सा वो है अगर हम यूनाइटेड किंगडम यानी जो रूस के लिए यूज करना है तब कौन सा क्या यूज करेंगे यूरोपियन आर्टिकल नंबर यूएन नंबर जो था उसी को यूज करेंगे जबकि अगर यूनाइटेड स्टेट हो तो यूपीसी। फिर यही है कि नीचे से आपको मजीद मिल जाते हैं वेरिएशन का ऑप्शन। वेरिएशन क्या होते हैं कि अगर आपके पास क्वांटिटीज में मौजूद हो यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट आपके पास मौजूद हो आपके उससे क्या होते हैं रीजन सेलेक्ट करना होते हैं कि किस रीजन के बेस में मेरे पास वेरिएशन है अगर कलर है चेंज तो कलर को अगर नेम है तो नेम अगर साइज है तो साइज
जो आप सेलेक्ट करोगे आगे जो कंटिन्यू रखोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी उसी के रिलेटेड ही आएगा। तब यहाँ से आपको मिल जाते हैं एक वो SQ अभी तक नहीं समझाया हुआ है ना, SQ का फॉर्मूला नहीं समझाया सर, मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, सिर्फ वहाँ पे सारे चीजें लिखी हुई है, प्रोडक्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, किस डेट को आप लॉन्च करने जा रहे हैं, ये फार्मूले उसी के अंदर ही है। तो लास्ट में आपको खुद बहुत एक UPSC जनरेट हो जाता है, याद रखना है कि एक SQ जनरेटर जनरेशन और एक अनदर मार्केट प्लेस से सोर्सिंग करना किस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आते हैं, UPC नंबर, ठीक है, जो के जो पीछे प्रोडक्ट था वहां से जो हम कर रहे थे वो तो मेन प्रोडक्ट था। अब मेन प्रोडक्ट के हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, वेरिएशन। तो यहाँ से हम क्या ऐड करेंगे, UPC नंबर, फिर उसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे, कौन से टाइप की है, UPC है तो UPC, अगर आपके पास EN है तो यूरोप आर्टिकल नंबर है तो उसी को ऐड करें। फिर आपके पास है आइटम की कंडीशन, अगर आपने मैन्युफैक्चर किया हुआ है तो ठीक, ऑलरेडी आप यहाँ पे क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे। सिर्फ ये है कि इस तरह के कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, आप एक बार मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, फिर बाद में आप उसी का और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक आपके पास वही ऑलरेडी लिस्ट हुए पड़े रहते हैं, कभी कभी आपके पास वो पुराने स्टॉक भी यूज में रह जाते हैं। तो यहाँ से आपको उसके कंडीशन सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर है आपके पास प्राइस, मेन प्राइस क्या था वहां पे, आपने पैकेज क्वांटिटी ऐड किया, फिर प्राइस ऐड किया, जबकि यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस क्या है इसी वेरिएशन का, वो ऐड करोगे, क्वांटिटी ऐड करोगे कि वेरिएशन में आपके पास प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, लास्ट में आप उसकी जो रीजन होगा कलर में कौन सा कलर है, अगर नेम है तो साइज है तो साइज उसकी बता देंगे, तो उसी के मुताबिक की समझ लेंगे, ठीक है। क्या कलर ये वेरिएशन फिर नेक्स्ट वेरिएशन के लिए फिर नेक्स्ट एड वेरिएशन करना होगा, इसी तरीके से डिफरेंट वेरिएशन ऐड करना पड़ते हैं, ठीक है। ये तो सारे समझाए थे कि वो पुराने वाले क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में आपके पास है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज था पैकेज क्वांटिटी, पैकेज क्वांटिटी में सिर्फ क्या होते थे कि आप जो वो लगा लेते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि 75% ऑफ था, उसका ऑप्शन ये होते हैं, हैंडलिंग टाइम कब से कब तक, सेल्स प्राइस कितने से स्टार्ट डेट, सेल्स स्टार्ट डेट कब से शुरू हो कब तक मेरा ये पैकेज लगा हुआ हो, तो हम यहाँ से ये ऑप्शंस यूज कर लेते हैं। लास्ट में आपके पास आ जाते हैं, यही तो है स्टार्ट डेट, सेल्स स्टार्ट डेट, सेल्स इन डेट, यानी हफ्ते का आप लगा लेते हैं तो हफ्ते का लगा ले, अगर आप ठीक है यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, अपने प्रोडक्ट के पिक्चर्स वगैरह जो हमारे पास होते हैं अपलोड कर लेते हैं, जो मेन पिक्चर्स होती जो समझाया हुआ था। लास्ट में आप क्या करते हैं, बुलेट्स पॉइंट्स, जो कि प्रोडक्ट की ये पॉइंट्स, अब अगर यहाँ पे रिमूव लिस्ट आप कर लेते तो ये वन बाय वन, अगर एक बुलेट पॉइंट ऐड करना है तो सिर्फ एक, अगर आप मजीद करना चाहते हैं तो एट टू बुलेट पॉइंट, एट टू बुलेट पॉइंट, पांच तक बुलेट पॉइंट आप लगा सकते हैं, फीचर्स प्रोडक्ट की जो से आता है, जैसे पॉइंट्स, ये पांच पॉइंट्स, ठीक है। उसी के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करके लिस्ट कर लेते हैं, हमारी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, जो कि कल इसके अकाउंट से दिखाया था आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर हो गया, UPSC कंपेयर और वो था, ठीक है।